सिर्फ और सिर्फ लड़का ही होगा 99%। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में जानेंगे गर्भ में लड़का होने के कुछ सटीक लक्षण के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला को जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। इसके लिए वो लोग बहुत सारे उपाय करते रहते हैं या फिर लक्षण के द्वारा जानना चाहते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। दोस्तों, आप लोग को पता है कि भारत में लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है। आप लोग भारत में लिंग जांच नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसा कुछ उपाय है या फिर लक्षण है जिसके द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला के शरीर में जो हॉर्मोन्स के जो उतार चढ़ाव है बहुत होते हैं, जिसके वजह से एक गर्भवती महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। और दोस्तों, इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चैनल कोई लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिला का जो जानने की जिज्ञासा है, उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, कोई भी लक्षण 100% सटीक नहीं होता है। आप लोग 99% या फिर 80% ही आप लोग गेस कर सकते हैं। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला को जो जानने की जिज्ञासा होती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन हो, मतलब कि कौन है, लड़का है या लड़की। ऐसे तो एक गर्भवती महिला के लिए उनके घर में पलने वाला शिशु लड़का हो या लड़की कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ वो जानना चाहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और उनकी वही उत्सुकता को कम करने के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण के बारे में। पहला लक्षण है सर में दर्द। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला को पहले 3 महीने में और अंतिम 3 महीने में अगर सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द रहता है तो माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। दूसरा लक्षण है कमर में दर्द। गर्भावस्था का 8वें और 9वें महीने में अगर एक गर्भवती महिला को कमर में बहुत तेज़ दर्द रहता है और साथ में ये दर्द रुक रुक के होके कमर से शुरू होके पेट तक होता है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है हाथ पैर ठंडा रहना। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला का हाथ पैर मोस्टली ठंडा रहता है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है प्राइवेट पार्ट में दर्द। गर्भावस्था का अंतिम महीने में अगर एक गर्भवती महिला को प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द रहता है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है बार बार यूरिन की समस्या होना। गर्भावस्था का अंतिम महीने में अगर एक गर्भवती महिला को बार बार यूरिन मतलब कि आने की समस्या हो रही है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। अगला लक्षण है सफ़ेद पानी। गर्भावस्था का अंतिम महीने में अगर एक गर्भवती महिला का मतलब सफ़ेद पानी जाने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही लक्षण है। तो दोस्तों, यही था गर्भ में लड़का होने के कुछ लक्षण के बारे में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, या फिर आगे कुछ टॉपिक में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स लाऊँ तो आप लोग को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।